जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष मंत्रालय की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 1200 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी लोग आने वाली 28 अक्टूबर 2022 तक घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन फिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल 10वीं या 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत भर्ती में सिलेक्शन पाकर एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब करने का, सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आज के इस वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाली सरकारी नौकरी की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी की कुछ खास बातें बताना चाहूँगा जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे आयुष मंत्रालय की तरफ से 1200 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जो कि आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टाफ नर्स हो गया और इसी तरह से आपको आयुष डिपार्टमेंट के अंदर कई सारी पोस्टें मिलेंगी जिनके लिए आपको आवेदन करने होंगे। साथ में पोस्ट के नेम बहुत सारे हैं जो कि आगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के बताने वाले हैं। इन पदों पर महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आपको ऑल इंडिया लेवल पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल की होनी अनिवार्य है। ऑनलाइन तरीके से आवेदन शुरू हो चुके हैं, आपको जितना जल्दी हो सके आवेदन कर देना है। 28 अक्टूबर आवेदन करने की आखिरी डेट है। तो बेसिक जानकारी मैंने दे दी, बाकी की जानकारी नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिलने वाली है। उसके लिए बस आपको इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। चले चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए यहां पे परीक्षा 2022 आ चुकी है। आवेदन पत्र भरने की डेट यहां पे मेंशन करी गई है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे आप लोग आवेदन कर पाएंगे 14/10/2022 यानी कि 14 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी डेट वगैरह भी डिसाइड कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो होना है 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से शुरू होगा। दो शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, एक सुबह का शिफ्ट और एक दोपहर का। सुबह के शिफ्ट में आपको 7 से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और 9 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, और दोपहर के शिफ्ट में 1 से 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और 2:50 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, सुबह में 9 से 11 और दोपहर में 3 से 5 का। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आपको एग्ज़ाम के जगह पे आपको अपना पहचान पत्र पास में रखना है ताकि आपको एंट्री मिल सके। टोटल 56 पेजों का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको एक बार डाउनलोड करके ज़रूर इसको रीड करना है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे वैकेंसियों के बारे में। उससे पहले आपको एज के बारे में बता देते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी एज नॉर्मली है जर्नल में, यहाँ पर देख सकते 18 से 40 साल और जिनको छूट मिलता है उनके लिए 18 से 45 साल तक की एज यहां पे अलाउ करी गई है आवेदन करने के लिए। उसके बाद यहां से अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे बहुत सारी जानकारी यहां पे हिंदी में दी गई, जिसको आप लोग आसानी से रीड कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट यहां पे वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको भर्तियों को लेकर जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं। तो आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, आप लोग मेरे साथ पेज नंबर याद रखिएगा। अभी हम 14 नंबर पेज पे हैं, यहाँ से आपकी भर्तियाँ स्टार्ट होती हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे सीधी भर्ती भी है, बैकलॉग सीधी भर्ती भी है। टोटल योग की बात करें तो 1248 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। उसके बाद बात करें कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप आयुष डिपार्टमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको लगभग ये सारी पोस्टें देखने को मिलेंगी जिनके लिए आपको आवेदन करना होगा। आयुर्वेद
आयुर्वेद कंपाउंडर होगा, होम्योपैथी कंपाउंडर होगा, यूनानी कंपाउंडर और स्टाफ नर्स जैसी पोस्टें आपको आयुष मंत्रालय डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। टोटल आपको 1248 पोस्टें देखने को मिलेंगी। अभी हम डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियों की बात करते हैं, तो आयुष मंत्रालय यानी कि आप लोग देख सकते हैं 5th नंबर जो डिपार्टमेंट है संचालना, यहाँ पर आपको संचालनालय आयुष, यहाँ पे आपको आयुष औषधालय एवं चिकित्सालयों हेतु भर्ती आ चुकी है। इसके सामने जो वैकेंसियाँ हैं सिर्फ वही डिपार्टमेंट की वैकेंसियाँ देख सकते हैं। सारी भर्ती सीधी भर्ती के लिए हैं। यहाँ पे आयुर्वेद कंपाउंडर, होम्योपैथी कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर और स्टाफ नर्स की भर्तियाँ हैं। बाकी भर्तियों के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में 1248 पोस्टें हैं, इनके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी इन भर्तियों की डिटेल आप लोग यहाँ से देख पाएंगे, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, टोटल 56 पेजों का PDF मिलेगा। इसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा ताकि आप लोग अपने मन मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी डिटेल को चेकआउट कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आयुष मंत्रालय की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है। मैंने आप सभी को नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है, साथ में आपको आगे अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कैसे करने हैं उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। टोटल नोटिफिकेशन के अंदर 1200 से भी ज़्यादा नंबर और वैकेंसी के ऊपर अलग अलग पोस्टों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 28 अक्टूबर 2022 की है। आपको दिए गए समय में आवेदन जरूर से फिल कर देने हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की आपको जॉब भी मिल जाएगी। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। बाकी एजुकेशन के बारे में, अप्लीकेशन फीस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई हो, आपके काम की लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं आयुष मंत्रालय रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग sarkaririzult.ooo पे जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे देख पाएंगे टोटल आपको 1200 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको स्टाफ नर्स की कंपाउंडर के साथ अदर वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज का नहीं लगेगा और कुछ कैटेगरी को कैंडिडेट को पे करना होगा। डिपार्टमेंट की बात करें तो आयुष मंत्रालय डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसियां आ चुकी हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें वेतन के बारे में तो वेतन आपको इनके डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे मैट्रिकुलेशन 12th डिप्लोमा डिग्री है तो अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपका चयन यहाँ पे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होने वाला है। इसके बाद आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन, जहाँ पे आपको अप्लाई का, नोटिफिकेशन का और वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको करना क्या है कि sarkaririzult.ooo की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब्स को चेकआउट करना है, काफ़ी सारी जॉब वैकेंसी की अपडेट है। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे आयुष मंत्रालय की वैकेंसियाँ कहाँ मिलेंगी। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे MPEB यानी कि यहाँ पे MPPEB की तरफ से जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं इसके अंदर आपको आयुष मंत्रालय डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आने पर आप लोग देख पाएंगे कल मैंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वैकेंसी को कवर किया था और आज मैंने आपको यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट यानी कि आयुष विभाग की वैकेंसियों की अपडेट दी है। यहाँ पे आप लोग सारी जानकारी चेक कर सकते हैं और नीचे इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आके आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।